अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक्स लाइक आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू के जरिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। हमने एनिमल सेल जो एग्जामिन करना है वो हमने फ्रॉग के ब्लड में मौजूद जो सेल्स हैं हम उनको एग्जामिन करेंगे, और प्लांट सेल जो हम एग्जामिन करेंगे वो अनियन एपिडर्मिस के होंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने पार्ट 2 परफॉर्म करना है, जिसमें हमने फ्रॉग के ब्लड स्मीयर की स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करने के बाद फिर उसकी लेबल डायग्राम भी बनानी है। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो अपेटस चाहिए उनमें फ्रॉग शामिल है। फ्रॉग बेहोश हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 5 ml स्ट्रेन चाहिए हमें, फिल्टर पेपर चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, इसके अलावा हमें कवर स्लिप चाहिए। मज़ीद जो ऑपरेटर्स हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप शामिल हैं, इसके अलावा स्पिरिट लैम्प चाहिए, और केमिकल्स में हमें जो केमिकल्स चाहिए उनमें एंटी कोएगुलेंट हमें चाहिए, कोई सा भी एंटी कोएगुलेंट जो हम लेबॉरेटरी में नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म हमें चाहिए, और क्लोरोफॉर्म के अलावा हमें अल्कोहलिक मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन चाहिए। अल्कोहलिक मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ये स्टेन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए। सो अल्कोहलिक मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन स्टेन है, ठीक है। प्रोसीजर में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एंटी कोएगुलेंट लेना है जो हमें अवेलेबल है। हमने उस एंटी कोएगुलेंट का 1 ml वॉल्यूम जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, और उसको हमने 5 ml सिरिंज में फिल करना है। सो 1 ml एंटी कोएगुलेंट वॉल्यूम हमने 5 ml सिरिंज में हमने पहले फिल करना है। फिर हमने उस सिरिंज में ब्लड जो कि हम फ्रॉग की वेन से हम हासिल करेंगे उसको फिल करना है। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है, एंटी कोएगुलेंट और फ्रॉग ब्लड को। फिर 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो एक साफ जो और स्टेरिलाइज जो स्लाइड है उसके ऊपर जो है वो डालना है, ठीक है। उसके एक साइड पर, एक कॉर्नर पर जो है वो ब्लड ड्रॉप डालने हैं, ब्लड ड्रॉप प्लस एंटी कोएगुलेंट। फिर एक और स्लाइड लेनी है, और उस स्लाइड को 45 डिग्री के एंगल पर रख कर हमने स्लाइड करना है ताकि जो ब्लड है वो स्प्रेड हो जाए। सो ब्लड को हमने स्प्रेड करवाना है, ब्लड स्मीयर बनाना है इवन थिकनेस का। फिर हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, या फिर हम एयर में इसे ड्राई करेंगे। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है बीकर में, और उसमें हमने ये स्लाइड जो है उसको डिप कर देनी है। देन उसके बाद हमने स्टेन ऐड करना है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के। हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो हमने स्लाइड में डालने हैं, और फिर हमने उस स्लाइड को 3 to 4 मिनट के लिए रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने उस स्लाइड में डिस्टिल वाटर के ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और डिस्टिल वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो ऐड करने के बाद हमने स्लाइड को हिलाना है, ठीक है, ताकि जो वाटर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और फिर हमने स्लाइड को 10 मिनट के लिए रख देना है, और फिर उसके बाद हमने फिल्टर पेपर की मदद से स्लाइड पे जो एक्स्ट्रा वाटर और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है उसको हमने साफ कर लेना है, ठीक है। और फिर हमने वाटर की स्ट्रीम यानी कि वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे हमने स्लाइड को अच्छे से धोना है और ड्राई कर लेना है अगेन फिल्टर पेपर के साथ। फिर उसके बाद हमने स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रख देनी है, और कवर स्लिप एहतियात से रखनी है कि कोई बबल जो है वो ऐड ना हो। फिर उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। माइक्रोस्कोप में जब हम एग्जामिन करेंगे तो लो पावर और हाई पावर दोनों के साथ हम एग्जामिन करेंगे। सो एग्जामिन करने के बाद हमने लेबल डायग्राम भी बनानी है। सो स्मार्ट प्रिकॉशंस क्या है आज के एक्सपेरिमेंट की, कि जो ब्लड है उसकी हमने थिन फिल्म बनानी है, हमने इवन थिकनेस के साथ,
ठीक है। और इसके अलावा सेकंड ये है कि स्लाइड ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप को अच्छे से साफ करना है माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने से पहले। सो जब हम माइक्रोस्कोप में फ्रॉग ब्लड स्मीयर की स्लाइड ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। और कौन कौन से सेल होंगे जो आपको नजर आएंगे? रेड ब्लड सेल्स नजर आएंगे, इसके अलावा आपको व्हाइट ब्लड सेल्स नजर आएंगे, इसके अलावा प्लेटलेट्स नजर आएंगे। सो आपने डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और उसको फिर लेबल करना है।